नमस्कार लॉ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16वीं यानी 16th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होने वाली है और अनेक विद्यार्थी इसकी तैयारियां कर ही रहे होंगे। अब इस 16वीं परीक्षा में कुछ चेंजेस हो गए हैं, जिस चेंजेस के बारे में आज का ये वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा के लिए किन किन बातों को आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा जो है ये पुरानी परीक्षाओं से थोड़ी सी अलग होने वाली है। आइए समझते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AIBE एग्जामिनेशन कहते हैं, और ये 16वीं बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है। आप सभी को पता है बार एग्जामिनेशन जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकीलों की जो सर्वोच्च संस्था है, जो अपेक्स बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ली जाती है और ये देता है राइट टू प्रैक्टिस, यानी सनद। इसको हम सनद की परीक्षा भी कह सकते हैं। तो राइट टू प्रैक्टिस यानी जब हम LLB और BLLB कवर कर लेंगे, 3 साल का जो LLB का कोर्स है या 5 ईयर BLLB कोर्स कवर होने के बाद, न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए यानी न्यायालय में वकालत करने के लिए अब सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस इज नाउ रिक्वायर्ड। आप सभी को पता है 2010 के बाद से ये एग्जामिनेशन आयोजित की जाने लगी। इस एग्जाम का नाम है AIBE, जिसे हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहते हैं, और ये एग्जामिनेशन देने के लिए व्यक्ति को BLLB या LLB की डिग्री होना जरूरी है। 31 अक्टूबर 2021 को शेड्यूल्ड है, ये 16वीं परीक्षा होने वाली है। और इस बार ये सबसे बड़ा चेंजेस है कि नो ओपन बुक एग्जामिनेशन। अभी तक जितनी भी एग्जामिनेशन हुई थी वो ओपन बुक थी। ओपन बुक का मतलब था कि बुक्स, यू कैन कैरी दी बुक्स, आप बुक्स ले जा सकते थे, स्टडी मटेरियल ले जा सकते थे, लॉ के नोट्स ले जा सकते थे। लेकिन इस बार बुक्स, स्टडी मटेरियल और नोट्स जो है वो नहीं ले जा सकते हैं। इस परीक्षा में ये बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप बैरेक्स ले जा सकते हैं, यानी जितने भी कानून है, जैसे इंडियन पिनल कोड है, CRPC है, IPC है, इनके बैरेक ले जा सकते हैं। तो बैरेक की परमिशन रहेगी और ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं रहेगी। इस बार बुक्स, स्टडी मटेरियल और नोट्स पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं कहलाएगी, अब ये कहलाएगी सर्टिफिकेट बेस्ड एग्जामिनेशन। नाउ इट इज नॉट ओपन बुक एग्जामिनेशन, नाउ इट इज सर्टिफिकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन। और अब बैरेक ले जा सकते हैं। और बाकी पैटर्न वो का वही है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 होंगे। इन 100 क्वेश्चन के जो है, 1 मार्क हर क्वेश्चन का, 1 मार्क यानी 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन है। और इस 100 में से 40% लाना जरूरी है। अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है तो 40% मार्क्स लाना जरूरी है। SC ST और OBCs के लिए 35% दिया हुआ है, रिलैक्सेशन है। जो टाइम है इस एग्जामिनेशन का, टाइम जो है 3.5 घंटे, यानी हम ये कह सकते हैं 210 मिनट का समय रहेगा। और इस 210 मिनट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो MCQ है इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करना ही चाहिए, कोई छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम छोड़ते वहां जहां पर नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट पड़ता हो, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, इसलिए आपको 100 मार्क्स पूरे करना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये ऑफलाइन मोड में होगी, यानी पेन पेंसिल मोड जिसको हम कह सकते हैं, ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होने वाली, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली। आपको OMR शीट दी जाएगी, इस OMR शीट में आपको आंसर्स जो है वो जो सर्कल रहता है उसको गोल करके भरना रहेगा। तो ये OMR शीट वाली ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। अब जरा हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप्स की ओर देखें। यदि आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू क्लियर, तो ये 3 बातों का विशेष ख्याल रख लें। सबसे पहले 15 एग्जामिनेशन हो चुकी हैं, 15 एग्जामिनेशन के प्रीवियस पेपर्स आप सभी के पास अवेलेबल होंगे, साइट पे भी ढूंढ सकते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, किस प्रकार से वेटेज दिया जा रहा है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, ये बातें आपको क्वेश्चन पेपर से समझ में आ पाएगी। उसके बाद सिलेबस के सब्जेक्ट्स चेक करिए, सब्जेक्ट क्या है कि चूंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, आपको यह देखना है किस सब्जेक्ट को वेटेज ज्यादा दिया गया है, IPC को, CRPC को वेटेज ज्यादा दिया गया, तो किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, ये आपको सिलेबस को अच्छे से एक बार रीड करना चाहिए। कहीं ऐसे भी सब्जेक्ट है जो बड़े लेंदी है लेकिन दे आर कैरिंग ओनली 2 मार्क्स, लेकिन वो सिर्फ 2 ही नंबर ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनको कम वेटेज दे सकते हैं। तो इसको हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क भी कहा जा सकता है। तो इट इज हार्डवर्क नहीं करते हुए हमको स्मार्ट वर्क की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लीगल टर्म्स पे विशेष ख्याल रखेंगे, लीगल टर्म्स यदि आपकी मजबूत है तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और जो रीसेंट केस लॉज है, फेमस केस लॉज और रीसेंट केस लॉज, ये दोनों केस लॉज को आप अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो यू कैन क्लियर दी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन।
तो फाइनल टिप्स मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया फाइनल जो टिप्स हैं आप बार एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो है पुराने पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लें, लीगल टर्म्स और केस लॉस को अच्छे से देख लें, और सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लें कि किस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से कितना वेटेज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।